I love you, Chansara. I love you too. कोरिया वापस नहीं जाना, हमेशा के लिए यही रहना चाहती हूँ। बैंकॉक मुझे सूट करता अच्छा है। और छोरोंग का क्या होगा? वो अपनी मॉम का इंतजार कर रही होगी ना? हाँ हाँ, मेरी बेटी भी तो है, भूल गई थी। ये हुई ना बात छोरोंग की, मम्मी खुद को संभालो यार। ओके, यहाँ से जाने का मुझे भी दुख हो रहा है, ये सब सपना सा लग रहा है। डोंट वरी, हम फिर वापस आ जाएंगे, अगली बार इससे भी बढ़िया जगह चलेंगे। वादा तुम भूल मत जाना। जी मैडम, वादा पूरा करूंगा। ग्रुप ट्रिप का फायदा क्या है जब सब अपनी मर्जी करते हैं? ट्रिप प्लान करने वाले को कैसा लगा होगा, बोलो मिस्टर नो। सही कहा, ये अच्छा नहीं किया, मिस्टर यू नाराज हो गए हैं। बिल्कुल। वैसे मैंने सबके लिए एक लास्ट सरप्राइज प्लान किया है। वो क्या है? सीक्रेट है, कुछ भी नहीं है, फेंक रहे। चलो चलते हैं। आयशा 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 आयशा, हम सब एक है। हमारी यकीन नहीं होता सबके सब बिजनेस क्लास में। तो यकीन कर लो, तुम सब किंग ग्रुप के वीआईपी एम्प्लॉयज हो, तो ट्रीटमेंट भी वैसा होना चाहिए। पसंद आया? बिल्कुल, बहुत पसंद आया। बैठ जा, संभल कर। वाओ कितना सॉफ्ट है। मैंने हमेशा यहाँ पैसेंजर्स को सिर्फ सर्व ही किया है, कभी सोचा नहीं था यहाँ बैठने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल सपना ही लग रहा है। ओह कितना स्पेस है। मिस्टर यू थैंक यू सो मच, हम सेल्स को बढ़ाएंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए क्योंकि आप लोग इसके हकदार हैं। शुरू से आखिर तक ये ट्रिप बहुत ही शानदार रही। थैंक यू वन। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, मुझे बहुत मजा आया। मुझे पता नहीं था कि इतनी खुशी मिलेगी। इससे भी ज्यादा खुशी मिलेगी तुम्हें। हंड्रेड एनिवर्सरी पार्टी इसलिए अहम है क्योंकि ये 100 साल बाद आती है, तो छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। इस बार डिनर मील कोर्स में हम 10 तरह के डिश सर्व करेंगे और सभी गेस्ट को सर्व करने के लिए हम खुद वीवीआईपी टेबल्स के पास रहेंगे, क्योंकि इस बार सब वीवीआईपी मेहमान ही होंगे, तो उन्हें किंग द लैंड की बेस्ट सर्विस ही मिलनी चाहिए। जी मैम, ऐसा ही होगा। तो गेस्ट लिस्ट मिलते ही हर गेस्ट की पूरी जानकारी जुटाकर उनकी पसंद के हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। हाना तुम ये कर लोगी ना? जी मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ मैम। कुछ भी चेंज होगा तो मैं बता दूंगी। तो आज की मीटिंग खत्म होती है, तो हमारी बेस्ट एम्प्लॉई ट्रिप कैसी रही? जी बहुत ही बढ़िया रही, शुक्रिया। हर टीम में से एक एम्प्लॉई को जाना था, मुझे खुशी है कि इस बार वो हमारी टीम में से एक था। मुझे तुम पर फक्र है। हमें और मेहनत करनी होगी ताकि अगली बार भी हमें ही ये इंसेंटिव मिले। जी मैम। वो मैम, ये गिफ्ट आपके लिए है। ये क्या है? बाथ प्रोडक्ट्स हैं। आपने कहा था ना आप हर रोज बबल बाथ लेती हैं, तो मैंने सोचा वही गिफ्ट बेस्ट होगा। तुम वहाँ जाकर भी मुझे नहीं भूली, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सारंग जी। इसे कहते हैं मक्खन लगाना।
सिर्फ उसके लिए हिलाई है। और दूरी? ये तुम्हारे लिए, सेहू ये तुम्हारा, और ये तुम्हारे लिए है डासुक, और नेमो ये तुम्हारे लिए, और ये हाना का। वैसे हम सबके लिए लाने की क्या जरूरत थी? मैं अपनी खुशी से लाई हूँ, सोचा आपके लिए कोई सोवेनियर ले चलूं। हम सब एक ही टीम है ना। थैंक यू, तुमने तो इम्प्रेस कर दिया। थैंक यू सारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने इस इवेंट में आने वाले हर गेस्ट के लिए बिजनेस कार्ड तैयार किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि आपको ये अच्छा लगा। एक्चुअली ये आइडिया मेरा ही था। वैसे क्या ये असली गोल्ड है? जी, ये 11.25 ग्राम के असली सोने से बना है, जो कानूनन सही पूरे है। स्टाफ के लिए भी गिफ्ट्स तैयार करो। क्या पूरे स्टाफ के लिए? कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो तो बहुत है, पता है कितना खर्चा होगा? अगर ऐसी बात है तो तुम अपना गिफ्ट छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आइडिया अच्छा है। अगर पूरे स्टाफ को देना है तो बुफे वाउचर या होटल में एक दिन का स्टे दे सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम हर एक एम्प्लॉय से बात करके पता लगाओ कि उन्हें क्या चाहिए, हम उन्हें वही गिफ्ट दे देंगे। जी सर, मैं स्टाफ से बात करके पता लगाती हूँ और उस हिसाब से गिफ्ट्स तैयार करवाती हूँ। ठीक है, अब जाओ। थैंक यू सो मच। मिस्टर वन, मिस्टर वन, मिस्टर वन। हेलो। मैंने इतनी बार आवाज दी, आपने जवाब ही नहीं दिया। आई एम सॉरी, थोड़ा काम में बिजी था तो। तो फिर आप अपने ऑफिस में जाकर काम क्यों नहीं करते? नहीं कर सकता, मैं अपना काम करता हूँ, तुम जाके अपना काम करो। मेरे कहने का ये मतलब था, जब तक आप यहाँ रहेंगे आपको नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगी। ये बिजनेस प्लेस है, आपका ऑफिस नहीं, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा सब। मतलब मैं यहाँ कभी भी काम नहीं कर सकता ना? सही सुना, नहीं कर सकते। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मुझे उससे बात करनी, बुलाओ। तुम्हें देखने आया हूँ यार, कितना काम पड़ा है और टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ी देर के लिए सही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बस। लगता है तुम नहीं चाहती। नहीं, मैं चाहती हूँ। आपके लिए पीने को कुछ लाऊं सर? ऐसा करो, जो तुम्हें पसंद है ले आओ, पी लूंगा। दोपहर में आप कॉफी की जगह चाय पीना पसंद करते हैं, तो एक कप अर्ल ग्रे टी लेकर आती हूँ, चलेगा ना? एक मिनट, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? किंग द लैंड में हर गेस्ट के बारे में जानकारी रखना हमारा फर्ज है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ सच में। और मुझे भी, मैंने इतनी बार पुकारा तुमने जवाब नहीं दिया। मतलब तुम बात दिल में रखती हो, लेकिन मैं इसके लिए सॉरी बोल चुका हूँ। आपने नाराजगी की वजह बताई थी, इसीलिए मैंने भी वैसा ही किया। अगर इतना ही नाराज हो तो काम के बाद साथ में घर चलते। जानते हो ना हमें कितने लोग देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने ही तो हैं, ज्यादा नहीं है। और हमने कौन सा पाप किया है? प्यार किया है। असल में मैं नहीं चाहती लोग हमारे बारे में बातें बनाएं। यहाँ से अकेले निकलेंगे और बाहर कहीं मिल लेंगे। अच्छा, आप यहाँ हैं? कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मिस वन आपसे मिलना चाहती हैं, बहुत अर्जेंट काम है। अभी तक एनिवर्सरी इवेंट के मेहमानों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। फाइनल हो चुकी है, मुझे बस डिसाइड करना है। तो कब करेंगे डिसाइड? हम इसे और डिले नहीं कर सकते, चेयरमैन के सेक्रेटरी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है। देखो, तुम बेकार में प्रेशर मत लो, सिर्फ एक बार देखना है मुझे। तो जल्दी से डिसाइड कीजिए। और ये भी देख लीजिए, पिछले 5 सालों में किंग ग्रुप के मेजर इवेंट्स में शामिल होने वाले वीआईपीज की लिस्ट है। और इस बार मिस वॉरेन ने ज्यादातर पॉलिटिशियंस, मतलब मेंबर ऑफ असेंबली और एलआईटीसी वालों को बुलाया है। क्या मतलब? मैं भी वैसा ही करूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग
किंग ग्रुप का आने वाला वक्त है, इसलिए हमारी कॉर्पोरेट इमेज भी उसी हिसाब से ग्लोबल होनी चाहिए। उससे याद आया, हमें कुछ मशहूर पॉप आर्टिस्ट को बुलाना चाहिए। और आप उसकी फिक्र ना करें, मैं उन सब से बात कर लूंगा। इवेंट की तैयारी करनी है, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी है, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। तुम सिर्फ रिहर्सल पर ध्यान दो और कुछ नहीं, तुम कर लोगे। तुम कर लोगे, कितना भरोसा करते हैं। ओह, तुम कर लोगे। इन सभी लोगों को इनवाइट भेजो। मैंने असेंबली मैन पार्क को इस इवेंट में स्पीच देने के लिए मना लिया है। ध्यान रहे कि चेयरमैन के बाद उन्हीं की स्पीच होनी चाहिए। इस इवेंट का होस्ट मैं हूँ। शुक्र मनाओ कि मदद कर रही हूँ। इंचार्ज मैं हूँ, मदद नहीं चाहिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जब आप इंचार्ज थी तो सब आप संभालती थी। मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। क्या लगता है तुम्हें, ये इवेंट कोई मजाक है? हमें लोगों को दिखाना है कि आने वाले 100 सालों में किंग ग्रुप को कौन संभालेगा, इसीलिए हमें इस इवेंट में बड़े बड़े नाम चाहिए। असेंबलीमैन, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एजेंसीज ऑफिसर्स। अच्छा, तो इनके दम पर अगले 100 साल का प्लान बनाने वाली है। ये लोग होटल, एयरलाइन और रिटेल बिजनेस के लिए जरूरी हैं। इन लोगों के साथ मैं किंग ग्रुप का फ्यूचर नहीं देखता हूँ। जो पावरफुल लोगों के साथ तरक्की करना चाहते हैं, वो उन्हीं पावर के साथ खत्म भी हो जाते हैं। आपको तो पता ही है। तो तुम किसके साथ क्या हासिल करना चाहते हो? जब आप उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी मदद से ऊपर पहुंचे हैं, तो समझो आपका डाउनफॉल शुरू। हमें आने वाले 100 सालों के लिए उन लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें हीरो बनना है। एम्प्लॉयज को तुमने बिजनेस क्लास में ट्रैवल करवाया, जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स ट्रैवल करते हैं। क्या लगता है ये सब कुछ करके तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है? मैंने बस वही किया जो सही है, इस पर उनका हक है। आम एम्प्लॉय हो या फिर एग्जीक्यूटिव्स, जो भी कंपनी के लिए मेहनत करेगा मैं उसे इनाम जरूर दूंगा। पर तुम होते कौन हो? वो हूं जिसका जमीर अब भी जिंदा है, जिसे ये लगता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज को उनका हक मिलना चाहिए। सही कहा ना? तो तुम्हें लगता है सबके सब एक बराबर है? हाँ, तुम्हें पता है गुब्बारे चाहे एक जैसे लगते हों, लेकिन कुछ ही ऊपर जाते हैं, बाकी सारे नीचे। सच ये है कि खून रंग दिखाता है। दिखने में सारे इंसान एक जैसे लगते हैं, पर उनका खून एक दूसरे से अलग है, जैसे तुम्हारा और मेरा। मेरा खून अलग कैसे हुआ? तुम अंधेरे में हो अन, यही तुम्हारी तकदीर है। ये है हमारा न्यू सेल्स टारगेट, रोज कैलकुलेट करके अपडेट करना और मुझे बताना कि टारगेट पूरा हुआ या नहीं। लेकिन ये टारगेट तो बहुत ज्यादा है। मतलब तुमसे नहीं होगा? हाँ, टारगेट तो पिछले महीने की सेल में 10% इंक्रीज करना था, जो पहले ही बहुत मुश्किल था। अगर ऐसा है तो मैं हेड ऑफिस को बता दूंगी कि हमें स्टाफ में कटौती करनी पड़ेगी। क्या स्टाफ में कटौती करोगी? अगर सेल्स बढ़ी हैं, साथ में खर्चे और किराया भी तो बढ़ा है। वैसे भी तुम्हारा लंगा खतरे में है। करंट सेल्स के हिसाब से हम हर किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें सबसे नए वाले को निकालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे, मैंने इससे बचने का तरीका भी तो बताया है ना। लेकिन तुम्हें मेरी हर बात पे एतराज है। ठीक है, तो जाने दो। रुको, हम करेंगे, ठीक है। अब ये हुई ना बात, मैं तो बस तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। और हाँ, एक और बात, तुम्हें मुझे बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर भी तो करवाना है। पर क्यों? मेरी वजह से बैंकॉक होकर आई हो, तुम भूल गई क्या? लेकिन मैडम, ये ट्रिप
मुझे मेरी मेहनत की वजह से मिला था। और तुम्हें मोटिवेट किसने किया था? ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेशर मैंने ही डाला था, जिससे तुम बेस्ट सेल्स रिकॉर्ड के साथ बेस्ट एम्प्लॉय बनी। सुना है ओमाका से काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, रिजर्वेशन करवा लेना। चलती हूँ, मुझे और भी काम है। सर, ये येलो सी एपेटाइजर है, वेस्ट सी ओइस्टर से बना है और टेस्ट बढ़ाने के लिए फेनल का इस्तेमाल किया गया है। ये फ्रेश है और एपेटाइजिंग भी। मेन कोर्स के लिए हमने कोरिया का सबसे बेहतरीन बीफ मंगवाया है, 1++ ग्रेड का, जो है एनिमल वेलफेयर सर्टिफाइड फार्म से, प्रीमियम टेंडरलॉइन स्टेक। ठीक है, सारे डिशेस बहुत टेस्टी है, आपने काफी मेहनत की है, गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर। पिछले 3 महीने मैंने हर रेस्टोरेंट के हेड शेफ के साथ काम किया है ताकि इन डिशेस को बेहतरीन बना सके। इवेंट में कुछ एजेड गेस्ट्स भी होंगे, तो कुछ ऐसी डिश भी होनी चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, और जो वेस्टर्न फूड की जगह कोरियन फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए कोरियन मील कोर्स भी होना चाहिए। मेहमानों को ऑप्शंस की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया सर, हम बातचीत करके तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बेहतरीन कोरियन बीफ, बहुत अच्छे। तो इस बार भी प्रमोशन नहीं हुई? अपने काम से काम रखो। देख लिया ना, बेवकूफ को सिखाने का कोई फायदा नहीं होता। मीना से कुछ सीख लो, बॉस की किमची बनाने में मदद करती है और तोहफे भी देती है। तरक्की का यही राज होता है। और ड्रिंक लेते हैं, लम बांट लेंगे। मुझे नहीं आना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाय परसर जी। तो मीना की प्रमोशन की खुशी में क्यों ना किसी अच्छी जगह चलकर ड्रिंक लिया जाए? बढ़िया रहेगा। इसका मतलब ये ट्रीट आप देने वाले हैं? दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल। ठीक है, मैं चलूंगी। तो तुम में से कौन कौन चलेगा? हाँ, मैं भी चलूंगी। सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। क्या? देखो रोन, अगर कैप्टन चाहते हैं तो हमें चलना ही होगा। मेरा पहले से ही प्रोग्राम है। यहाँ ऐसा कौन है जिसका प्रोग्राम नहीं है? हाँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आजकल किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने ठीक कहा ना कैप्टन? हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं तो चाहता था सब लोग एक साथ मस्ती करते। आप बेस्ट है कैप्टन। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, आओ हम चलते हैं। हाँ? रोन, क्या चल रहा है? मेरा प्लान प्योंगहा के साथ है। ठीक है, आप सब एंजॉय कीजिए, तो चले। ओके, तो अब मैं भी चलती हूँ, आप लोग खूब मस्ती करना। क्योंकि मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तो मैं भी निकलती हूँ। थोड़ा थकी हुई हूँ, समझने के लिए शुक्रिया। पता नहीं ये सब क्या था। हमारा प्लान है और मुझे ही नहीं पता। हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें अकेले यहाँ पर लाना चाहता था। बैंकॉक में हमें टाइम ही कहाँ मिला। ये जगह अच्छी है ना? जब कैप्टन इनवाइट करते हैं तो सबको जाना चाहिए। तुम्हें कल की फिक्र नहीं है क्या? कल की फिक्र हम कल ही कर लेंगे, पर आज तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी
तो मुझे पसंद करते हो। हाँ बहुत करता हूं। आई एम सॉरी पर मुझे ये मंजूर नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने सवाल किया तो मैंने बस जवाब दे दिया। तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम जानती हो, और मेरे दिल की बात मैंने तुम्हें बता दी। दरअसल मेन बिल्डिंग नजदीक ही है सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। हेलो मिस्टर वन। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आई एम सॉरी लेकिन बहुत ही अहम गेस्ट आने वाले हैं, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। सिर्फ एक मिनट लगेगा बस। अभी तो मुमकिन नहीं है सर, इस गेस्ट को वेलकम करने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा ठीक है, तो मैं किंग द लैंड में आपका इंतजार करूंगा। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शुक्रिया। आपका स्वागत है, आपका ही इंतजार कर रहा था। ओह कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऊपर वाली की मेहरबानी है। आइए अंदर चलते हैं। जी। माफी चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, काम सबसे पहले होना चाहिए। प्लीज आप बैठिए ना। शुक्रिया। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे सर? क्या एक कप गरम गरम चाय मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, मेरे लिए भी वही लाना। जी अभी लेकर आती हूँ। 7 साल से तुम यहाँ पर हो ना, आज भी तुम्हारी स्माइल वैसी ही है जैसे पहले दिन थी। आपको कैसे पता मैं 7 साल से यहाँ पर हूँ? क्योंकि मैं इस होटल का डोर मैन हूँ। आप समझी। आपको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा सर। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप किस गेस्ट का इंतजार कर रहे थे? वो महीने में एक बार इसी वक्त यहाँ आती हैं। हमारे होटल का बीफ बोन सूप उन्हें बहुत पसंद है। बहुत सालों तक हस्बैंड वाइफ यहाँ आया करते थे, लेकिन हस्बैंड के गुजरने के बाद भी वो हर साल यहाँ आती हैं। तो मैंने सोचा मुझे गेट पर ही होना चाहिए ताकि उन्हें कुछ भी अजीब ना लगे। जैसे जैसे मैं आप लोगों को जान रहा हूँ, मेरे दिल में इज्जत और बढ़ती जा रही है। वाकई में आप सब बहुत ही कमाल के हैं। अरे नहीं सर, आपने इतना कह दिया काफी है। वैसे मैंने सुना है सर कि आप इस होटल के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं। आप इतने सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ बैठ कर आपसे बातचीत करना चाहता था। आप ऐसा सोचते हैं, ये आपका बड़प्पन है। कोई ऐसा गेस्ट है जिसके साथ में आपकी कोई याद जुड़ी हो? फ्रंट गेट के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। ये होटल की मेंबरशिप लेने वाले पहले शख्स ने डोनेट किया था। जब होटल तंगी से गुजर रहा था तो उस शख्स ने होटल की बहुत मदद की थी। उनके जाने के बाद भी उनके बच्चे कभी कभार यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो भी काफी वक्त से दिखे नहीं। उम्मीद है कि जल्दी ही उनसे मुलाकात होगी। मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। एक बात बताइए, क्या आप हमेशा से होटल में काम करना चाहते थे? नहीं, मैं तो यहाँ आया था अपने लिए खुशी ढूंढने। तो आपको वो खुशी मिली? वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। आपने उनको इतनी इज्जत दी, मैं हैरान हो गया। रिहर्सल की तैयारी हो गई, चलो चले। बिल्कुल चलिए। We'll be right back.
प्लेट्स को एक लेवल में रखो, आगे की तरफ मत झुकने देना। एंट्री से एग्जिट तक का रास्ता चेक करो ताकि पानी की तरह स्मूथ फ्लो कर सको, और डिशेस बिल्कुल टाइम पर आनी चाहिए। क्या बात है। देखकर खुशी हुई कि हमेशा ऐसी रिहर्सल होती है। किंग होटल में होने वाली हर इवेंट से पहले इसी तरह से रिहर्सल की जाती है, क्योंकि इस बार इवेंट में वीवीआईपी गेस्ट्स आने वाले हैं, इसलिए हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वाकई में आप लोगों का काम बहुत मुश्किल है, आखिर तक ऐसे ही काम करना। जी सर, यकीन मानिए हर गेस्ट का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। मैं हूँ। मैं डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? I'm so मार के पूछती हो ठीक हो? लगता है मेरी पसलियाँ टूट गई। ऐसे कौन मारता है? तुम्हें पीछे से मुझे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था ना, डरा ही दिया मुझे। मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही सरप्राइज हो जाऊंगा। I'm sorry, तुम ठीक हो ना? अगर रात में देर हो जाए तो तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने कोई जूडो कराटे सिखाए क्या? मैं ये आवाज मुंह से नहीं निकाल रही, ये मेरे एक्शन से आ रही है। मजा आ रहा है। जानते हो, बचपन से आज तक मैंने कोई फाइट नहीं हारी। वो तो मैं समझ ही गया। ओ, तुम्हें चोट लग गई क्या? दर्द हो रहा है? बोलो ना। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर के पास चलें या इमरजेंसी रूम में? अब ठीक है, सुकून। नौटंकी। अरे यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। अरे यार थोड़ा रिचार्ज होने दो ना, सुबह से बहुत काम कर रहा था, बैटरी एकदम डाउन हो गई है। चलो छोटा सा रिचार्ज कर दो, मुझे यहाँ पर किस देखे। छोटा सा रिचार्ज तो बनता है ना। हो गया, अब दूर हटो, कोई देख लेगा। मैं बस गिरने ही वाला। सच में इतना बुरा हाल है तुम्हारा? मुझे रिचार्ज चाहिए। रिचार्ज तो ना 5%, 10%। अरे 10% से क्या होता है, मुझे और चाहिए 15, 25, 30, 100% हो गया, अब ठीक लग रहा है। अरे बहुत बेशरम हो तुम। अरे नहीं, छुप जाओ तुम। क्या हो गया? छुपो जल्दी। अरे क्या हो गया बोलोगी मुझे? ऐसे मुंह क्यों छुपा रही हो? Oh God, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? छुप जाओ तुम। कहाँ छुपे, कोई जगह नहीं है। चलो आओ। चलो चलो बस, चलो 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 जल्दी। हेलो मिस्टर वन। हेलो मिस्टर वन। हेलो मिस्टर वन। हेलो मिस्टर वन। बहुत अच्छा लगा। हेलो मिस्टर वन। 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 मिस्टर वन, ये किंग होटल की तरफ से एम्प्लॉयज के आने जाने के लिए कम्यूटर शटल है, तो क्योंकि हम लोग
क्लीन शिफ्ट में काम करते ना, तो इसीलिए एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए बस को शिफ्ट के हिसाब से 6 बार आना जाना पड़ता है। वैसे होटल की तरफ से बहुत से अलग अलग एम्प्लॉइज वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है एम्प्लॉइज के लिए ये शटल सर्विस सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुम गुड बाय बोलो, ऐसे चुप मत रहो, एक स्माइल के साथ हाथ मैं भी आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। प्लीज ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आप लोग जाइए, मैं चलता हूँ। मिस्टर वन को सब लोग गुड बाय बोलिए। गुड नाइट एवरीवन। वेरी गुड, गुड बाय। गुड नाइट मिस्टर वन, आप सबसे बेस्ट हैं। बाय। क्या था ये? तुमने क्या फेंका? लग रहा था जैसे एक साथ गड्ढे में गिर गए हो। मानना पड़ेगा, तुम इतनी सारी बातें सोचती कहाँ से? मेरा तो माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। मेरा भी दिमाग सुन हो गया था, बस इतना पता था जान बचानी है। देखते हैं राज कब तक छुपा पाते हैं। हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि मैं चेयरमैन का बेटा हूँ। अगर इस बात की परवाह होती तो तुम्हें डेट ही ना करती। वैसे इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता? दरअसल मुझे बैंकॉक में पता चला कि तुम्हें चांद बहुत पसंद है, तो सर्च किया और पता चला कि इस जगह से चांद साफ दिखता है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, नीचे चलकर वॉक करें। वैसे तुम डोरमैन से मीटिंग क्यों कर रहे थे? वो इवेंट के बारे में बोलना था। मैंने सुना है वो होटल के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं, तो बस इसीलिए मिलना चाहता था। मैंने सुना है वो पिछले 30 साल से यहाँ है। लोग उन्हें किंग होटल की लिविंग हिस्ट्री कहते हैं। मैंने भी ये सुना है। क्या तुमने उनसे पूछा? क्या पूछा? मॉम के बारे में। मुझे यकीन है उन्हें पता होगा। छोड़ो ना। लेकिन क्यों? उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ उनका जवाब क्या होगा। मॉम कहाँ पर है? वो कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। प्लीज आ जाइए ना सर, डैड इंतजार कर रहे हैं। जब भी मैं किसी से कुछ पूछता था सबके मुंह बंद हो जाते थे, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। शायद सब लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहते थे ताकि सच ना जान पाऊं। फिर भी हो सकता है उन्हें मॉम के बारे में कुछ पता हो। कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से सच पता कर लूंगा। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। यहाँ आकर बैठ। ये सब क्या चल रहा है? क्या बात है। बहुत टेस्टी है। सॉस तो बहुत बढ़िया है। सुन सारंग, क्या मिस्टर नो ने वो कर दिया? क्या? अरे वही, आई लव यू। नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं, उसमें ऐसी क्या खराबी है? मेरे ख्याल से वो एक नेक और अच्छा आदमी है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है, थाईलैंड में उसके साथ भागकर मिस्टर यू को नाराज क्यों किया? अच्छा सुनो, मैं ना फ्रेश होकर आती हूँ, तुम दोनों जब तक खाओ। ओह कितनी गर्मी है यार। पता है ऐसे गर्मी क्यों लग रही है? मैं ये कह रहा था, हमें ये इवेंट स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम दोनों को होस्ट करना चाहिए। लगा था आप मुझे पसंद नहीं करते। सही कहा।
लेकिन मैं काम और फीलिंग्स एक साथ नहीं रखता। तुम अच्छी स्पीच देती हो, मैं पहले तुम्हें सुन चुका हूँ। देखो, स्टाफ की तरफ से मेरा इस बड़े इवेंट को होस्ट करना तो बनता ही है, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। हमें बहुत फर्क है। शर्म की बात है, कितना अच्छा होता अगर तुम खुदगर्ज ना होती। मैं खुदगर्ज हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? मुझे तो बस बुरा लगता है सच में। वैसे भी तुम खूबसूरत हो और एक मैनेजर बनने लायक सारी खूबियां तुम्हारे अंदर है। समझ में नहीं आता तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, इससे तुम्हारी पोजीशन खराब होती है। ये तारीफ है या शिकायत? बिल्कुल शिकायत है। तो वैसे दिल तो नहीं चाहता, लेकिन होटल के सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉय के नाते दिल पे पत्थर रख के मैं मदद कर दूंगी। यस, मैं शुक्रगुजार रहूंगा। अपना बेस्ट देते हैं। पागल हूं क्या मैं, वो भी इसके साथ? लगी क्या? इतना जोर से मारा तो लगेगा ही ना, लोहे के पैन से कौन मारता है? अरे नहीं, तो फिर मेरे घर में तुम चोर की तरह घुसकर क्या कर रहे थे? मैं तो बस आपको तोहफे देने आया था, फिर मैंने देखा कि यहाँ का वाटर प्रेशर बहुत कम है, तो सोचा चलो इंतजार करते हुए ये भी ठीक कर दूं। तो पहले बताना चाहिए था ना, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आपकी पोती इस मामले में बिल्कुल आप पर गई है। वो मुलाकात कम और मुक्का ज्यादा करती है। क्योंकि वो मेरी पोती है। जानते हो इतनी खूबसूरत क्यों है? क्योंकि वो मुझ पर गई है। वैसे ये तोहफे किस खुशी में लाए हो? क्या आप जानती है कंपनी ने सारंग को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुना है और थाईलैंड की ट्रिप पर भी भेजा। और थाईलैंड की सबसे फेमस चीज है वहां का सिल्क, तो ये देखिए सबसे बेहतरीन वाला आपके लिए लाया हूं। इसे ओढ़कर मैं कहां जाऊंगी? तुम ऐसी चीजों पर पैसे क्यों बर्बाद करते हो? ज्यादा है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? छोड़िए ना, अब से घूमने फिरने जाया कीजिए। चलिए मैं आपको खुद घुमाने ले जाऊंगा। रुकिए। ये मैं आपको पहनाता हूं। अच्छा है ना, कलर सूट कर रहा है। देखाओ। देखिए। रंग तो अच्छा है। वैसे भी मैं जो भी पहन लूं मुझ पर जचता ही है। थोड़ा मेरे टेस्ट की भी तारीफ कर देती। अच्छा एक मिनट रुकिए। ये लीजिए। आपको पता है इससे चेहरे की सारी झुर्रियां झट से गायब हो जाएंगी। जादुई क्रीम बोलते हैं इसे। और ये है, देखिए सबसे बढ़िया टाइगर बाल। कैसा भी दर्द हो आपको इससे राहत मिलेगी। और तो और ये सिर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या कहा? क्या ये ऑल इन वन जैसी चीज? बिल्कुल सही कहा, तभी तो आपके लिए लाया हूँ। लेकिन इतनी सारी चीजें क्यों ले आए? यहाँ दुकान खोलने का इरादा है क्या? हद है। मैंने सोचा की मार्केट में जो आपकी फ्रेंड्स है उन्हें भी एक एक दे देंगे, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर आ गया। अरे मेरी सहेलियों के लिए भी लाए हो, कितने अच्छे हो तुम। जब मैं पिछली बार आया था तो उन्होंने जूस और योगर्ट खिलाया था ना, बस इसीलिए लेकर आ गया। देखो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करो, उनके लिए कुछ लाए हो या नहीं? नहीं। अरे पता नहीं बच्चे माँ बाप की क्यों नहीं सोचते।
ये लो, ये अपने डैड को दे देना। ठीक है। खाना खाया? अभी तक तो नहीं। अरे सारंग की दादी। हाँ? जिनसेंग चिकन सूप लाई। आ जा, सही वक्त पर आई है। सारंग ने मुझे बताया था कि जब वो बहुत छोटी थी तो आपने उसे अकेले ही पाला था। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, वो खुद ही बड़ी हो गई। उसे अपनी माँ से दूर रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। और फिर एक बार गुस्सा आया तो उसने इतना कहा, मुझे माँ के साथ रहना है, पर उसका एक्सीडेंट हो गया। शायद इसीलिए तब से उसने किसी चीज की ख्वाहिश नहीं जताई। आज से हमेशा मैं उसके साथ रहूंगा, उसके सारे नखरे उठाऊंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपकी और सारंग की मैं हर तरह से हिफाजत करूंगा। मेरी फिक्र मत करना, बस मेरी सारंग का ख्याल रखना, ठीक है? नहीं, मैं तो दोनों का ख्याल रखूंगा। मेरी सारंग को इतने अच्छे संस्कार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, मीट बहुत नर्म होना चाहिए, जरा चक्कर बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय। ये लो, लो। अरे वाह, टेस्टी लग रहा है। खाओ खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करो। पता है बहुत भूख लगी थी। गुड डे सर। ओह, गुड डे टू यू। माफ कीजिए, आपको तंग कर रही हूँ। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, जरूर पूछो। आप यहाँ बहुत पहले काम करने वाली किसी हन मी सो को जानते थे क्या? जानता था। तो आपके पास उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर एड्रेस मिल सकता है क्या? बस इतना ही जानता हूँ कि वो कौन थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इतना वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाँ, लेकिन हो सकता है मेरे दोस्त के पास उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हो सकती है। कैसी है आप? अगर मैं गलत नहीं तो आप ही रूम इंस्पेक्टर किम ओकजा है ना? कौन हो तुम और इस तरह जूते पहनकर गेस्ट रूम में कैसे घुस आई? बाहर निकालो इन्हें। आई एम सो सॉरी। होटल का कमरा एक गेस्ट के लिए तैयार किया जाता है, जो कर्मचारी उसे इस्तेमाल करता है वो कर्मचारी कहलाने के लायक नहीं। मुझे माफ कीजिए, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती थी मैम। जिसे होटल की छोटी छोटी बातें पता ना हो उसे बात करके क्या फायदा, जाओ यहाँ से। मैं दिल से आपसे माफी चाहती हूँ, मैं फिर कभी आपसे मिलने आ जाऊंगी मैम। आप सच में वन का कुछ नहीं करने वाले? इसी बहाने सही, वो काम तो करने लगा है, देखते क्या करता है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। जब तुम अलंगा लॉन्च करना चाहती थी तो सब लोग इस बात के खिलाफ थे, मालूम है, फिर भी तुम्हें वो क्यों करने दिया? क्योंकि तुम्हें मौका मिलना चाहिए था। ठीक उसी तरह
वन को भी मौका मिलना चाहिए। अलंगा की कामयाबी की गारंटी थी, लेकिन जो वन कर रहा है उसके सही होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर वो फेल होता है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अभी रोकना ठीक नहीं है। वन बिल्कुल अपनी मां की तरह काम कर रहा है, आपको नहीं लगता? अगर आपने वन को भी उसकी मां की तरह छोड़ दिया तो यह आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तुम बड़ी हो और मेरी देखभाल कर रही हो, तुम आ गए? जी। तो आराम करो। तो कुछ कहना चाहते हो? नहीं डैड। तुम बड़ी इवेंट प्लान कर रहे हो, बाप की राय नहीं लोगे? एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ पूछो। क्या यह सच में वही किंग होटल है जैसा आप बनाना चाहते थे? मेरा एक सपना हुआ करता था कि मैं इसे ऐसी जगह बनाऊंगा जहां पर जो शख्स भी कदम रखेगा, वो गेस्ट हो या एम्प्लॉई, उसे यहां खुशी मिलनी ही चाहिए। लेकिन सपना तो सपना ही होता है। क्या आपने कोशिश की थी? ना सिर्फ एम्प्लॉई बल्कि उनके परिवारों पर भी मेरे फैसलों का असर जरूर पड़ता है, इसलिए कुछ अलग न करने की वजह से ही इस होटल के 100 साल पूरे हो पाए। मुझे कोई पछतावा नहीं, सपनों की जगह किंग होटल को महफूज रखा, किंग एयर और रिटेल बिजनेस को बढ़ाया। ये जानकर खुशी हुई, मुझे लगता था कि आपने कभी कोई सपना ही नहीं देखा होगा। मैं जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो, जानता हूं तुम्हारा सपना क्या है, लेकिन ऐसा करना मत। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, सुन रहे हो? लेकिन डैड, अगर कोई दिक्कत है तो अपनी बहन की मदद लो, किसी की मदद लेना भी एक कला है। ये टाइगर बाम है, इससे आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे।
तो वो दिन आ ही गया। सुनिए, ये पार्टी बेस्ट होने वाली है, तो नर्वस मत होना। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छा कर रहे हैं और हम ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे, तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने बार बार लगातार रिहर्सल भी तो की है ना। बोल रहा हूँ, ये सबसे जबरदस्त पार्टी होने वाली है, फिक्र मत करना, बस मुझ पे यकीन रखो। तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? कौन मैं? नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं इतना फट्टू नहीं जो इतनी जल्दी नर्वस हो जाऊं। आप तो मुझे जानते ही हैं। बनो मत, शक्ल से नर्वसनेस टपक रही है। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूं। तो ये पसीना? पसीना? रिलैक्स हो जाओ, ये पार्टी है, एंजॉय करो। ठीक है, पहले थोड़ा पानी पी लो, लंबी लंबी सांसें लो। ओके, और तुम नर्वस हो? मैं कर सकता हूं। हेलो, हैव अ गुड डे। तुमने कहा था हम बहुत ही अहम काम करने वाले हैं, ये है वो। तो क्या ये अहम काम नहीं है? हम 100वीं एनिवर्सरी में आने वाले गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं, ये सबसे अहम काम है। हो सकता है ये काम तुम्हारे लिए बहुत अहम हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आने वाले गेस्ट का स्वागत करना होस्ट का ही तो काम होता है, और आज इस पार्टी के होस्ट हम दोनों हैं। पसीना पोंछ लो, नॉर्मल होने का नाटक करते हो पर हालत खराब। मैं नर्वस नहीं हूँ, पसीना कहाँ है? ओ, पसीना तो है। मुझे लाइक करती हो? किंग होटल की 100th एनिवर्सरी की सबको बधाई। अ वेरी गुड इवनिंग, मैं हूं किंग होटल का हेड मैनेजर गु वन। जो लोग आज किंग होटल की इस 100th एनिवर्सरी इवेंट में शामिल हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है, और उन स्टाफ मेंबर्स को भी बधाई जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनको मैं दिल से शुक्रिया कहता हूं। अब हम ये इवेंट शुरू करते हैं हमारे चेयरमैन इलहुन की स्पीच से। गुड इवनिंग टू ऑल, मैं हूं गु इलहुन। आज के इस एनिवर्सरी इवेंट के लिए मैंने एक राइटर को हायर किया था,
मैंने उससे पूछा कि होटल की 100th एनिवर्सरी में मैं ऐसा क्या बोलूं जो कंपनी के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाए। तो उसने बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही अहम बात कही, अपनी स्पीच छोटी रखना। क्या हुआ, किसी ने कुछ किया क्या? शायद किसी ने जोक मारा है। हमें तो कभी कुछ देखने को मिलता ही नहीं, हम तो बस काम में ही लगे रहते हैं। लेकिन आज लग रहा है कि हम ही होस्ट हैं, जैसे हम अपनी ही पार्टी में खुद ही सर्व कर रहे हैं। सही है, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जो साल में एक बार ही होता है। चलो इसे और भी यादगार बनाते हैं, किंग द लैंड की रेपुटेशन कायम रहे। जी मैम। सारंग अब तुम्हारी बारी है। जी हाँ, लेते मैं आप सबसे बाद में मिलती हूँ। गुड लक। पिछले इन 100 सालों की बुनियाद पर हमें ये पूरी उम्मीद है कि अगले 100 साल इससे भी बेहतर होंगे और हमारे आने वाले 200th एनिवर्सरी इवेंट में भी मैं इससे भी छोटी स्पीच तैयार करके आऊंगा। थैंक यू। और अब स्टेज पर आएंगे एक स्पेशल गेस्ट और इस एनिवर्सरी इवेंट पर एक बधाई स्पीच देंगे। ऑल द बेस्ट मिस्टर पार्क, अच्छी स्पीच दीजिएगा। क्यों नहीं, इनके लिए यहां आना बहुत मुश्किल था, तो पूरे स्टाफ की तरफ से मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मिस्टर छोई योंगसू, प्लीज सर आप स्टेज पर आइए। आने के लिए शुक्रिया। पता नहीं मैं इस काबिल हूं भी या नहीं। आप आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, इस तरफ आइए। गुड इवनिंग, मेरा नाम है छोई योंगसू। मैं देजियोन में पिज्जा की एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। सच कहूं तो मुझे तो सच में कुछ पता ही नहीं कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया है। हो सकता है ये मेरे पिताजी की याद में बुलाया गया हो। वो इस होटल की मेंबरशिप लेने वाले पहले चंद लोगों में से थे और जितना कुछ मुझे याद है, मेन गेट पर जो पेड़ है वो उन्होंने ही डोनेट किया था। जब मैं छोटा था तो वो मुझे यहां लाते थे। किंग होटल हमारे लिए एक मजेदार प्लेग्राउंड हुआ करता था। मुझे ये भी याद है कि होटल के मालिक भी हमें बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन जब से पिताजी का बिजनेस डाउन हुआ तब से मैं यहां पर आ ही नहीं पाया। सच कहूं तो मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरी है और शायद मैं जिंदगी से उम्मीद भी छोड़ चुका था और धीरे धीरे मैं और भी गर्त में जाता जा रहा था। लेकिन यहां वापस आकर मेरा बचपन का सपना दोबारा जी उठा है। सोच रहा हूं अगली क्रिसमस को मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहां आकर रहूंगा और उसके लिए मेरे अंदर मेहनत करने की ख्वाहिश फिर से जाग उठी है। मिस्टर गुवन मुझे न्योता देने के लिए खुद डेजियोन तक आए, मैं उनका आभारी हूं। मुझे सच में नहीं पता मैं क्या कहूं। किंग होटल को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, पार्टी को एंजॉय कीजिए। अरे तुम यंगसू हो ना, मिस्टर छोई जंगसू के बड़े बेटे। आपने मुझे पहचान लिया? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारे पिता ने मेरी बहुत मदद की थी, मैं उनका कर्जदार हूँ। तुम्हारे हालात पर मुझे बहुत अफसोस है। आज से यहाँ तुम्हारी फैमिली के लिए रूम और टेबल हमेशा बुक रहेगा। प्लीज अपनी फैमिली को लेकर आना। ओके आओ बैठो। तुम्हें मिस्टर छोई याद है ना? हाँ, जैसे याद है।
कहते हैं फूल उस माली को कभी नहीं भूलता जिसने उसकी सेवा की थी। इस इवेंट को प्लान करते हुए मैंने ऐसे ही लोगों को याद किया है जिनकी वजह से किंग होटल 100 सालों में यहां तक पहुंचा है, और वो लोग भी जिनके साथ ये होटल अगले 100 साल का सफर करेगा। और अब मैं आपसे एक बहुत ही अहम शख्सियत को मिलवाने जा रहा हूं। देरी के लिए माफी चाहती हूं सर, मैं बेसब्री से आपकी स्पीच का इंतजार कर रही हूं। ये हमारे किंग होटल की एक मजबूत ईंट है, मिस्टर किम बोंगशिक। आइए उनका स्वागत करते हैं। हाय। सबको गुड इवनिंग, और मैं हूं किंग होटल का दरबान बोंगशिक। आप फार्मास्यूटिकल सेल्समैन थे ना? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ के बार में क्लाइंट्स को ड्रिंक के लिए लाया करता था। कभी कभी उनके साथ तीन तीन बार लंच, डिनर और रात में भी पिया करता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं नशे में धुत हो गया और मैं गहरी नींद में सो गया एक लंबी सी काउच पर। अगली सुबह मेरी आँख खुली, ऐसा लगा जैसे वो अलग ही कोई दुनिया हो। वहाँ हर कोई काम कर रहा था, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हर कोई खुश नजर आ रहा है। और उस दिन एक सपने ने जन्म लिया। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ काम करूँगा शायद मैं भी जिंदगी खुशी से जी पाऊंगा, इसलिए मैंने यहां पर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, क्या आप ये कहानी आने वाले इवेंट में स्टेज पर आके सुना सकते हैं सबको? कौन सा इवेंट? हमारी होटल का 100th एनिवर्सरी इवेंट। क्या, मैं इतनी अहम इवेंट में ये सब बकवास कैसे बोल सकता हूँ? प्लीज, मैं चाहता हूँ। आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इस होटल के डोरमैन हैं और पिछले 30 सालों से आप इस होटल की हिफाजत कर रहे हैं। आई होप आप इवेंट में जरूर शामिल होंगे। आप सच बोल रहे हैं? आप अपना ये सपना हम सब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं किंग होटल में आया और मेरा सपना सच हो गया। हालांकि मैं सारा दिन होटल के बाहर ही रहता हूं, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत फख्र है, मैं किंग होटल का डोरमैन किंग बोंगशिक हूं। कैसे हैं आप? क्या ये वही लैंप है जो 20 साल पहले इस्तेमाल होते थे? जी बिल्कुल सही कहा, ये वही लैंप है जो मैंने आज से 20 साल पहले लगाई थी। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ किस काम से आए हैं सर? एक्चुअली मैं आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। मैं पिछले 10 साल से यहाँ मीट काट रहा हूँ, मैं VIP नहीं हूँ। और सर, VIP कैसे हो सकता हूँ? लोगों को तो इतना भी पता नहीं होता कि होटल में हम जैसे कसाई भी होते हैं। इसलिए तो मैं दिखाना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते लेकिन फिर भी इस होटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानती हूं आपकी नीयत साफ है, वैसे आप मेरे मालिक हैं, लेकिन ज्यादा तजुर्बा होने की वजह से कह रही हूं। जानते हैं कौन सा होटल बढ़िया होता है? आप ही बताइए मैम। वो होटल जहां लोगों को हम जैसे लोगों से ना मिलना पड़े, इसीलिए हम भी उनसे दूरी बना कर रखते हैं। और आप मुझे पोडियम से बोलने को कह रहे हैं? अगर हम जैसे लोग पोडियम तक पहुंच जाएंगे तो आपको भला बुरा सुनना पड़ेगा। क्या आप जानती हैं कौन सा होटल सबसे बेस्ट होता है? कोई ज्यादा मुनाफे वाला ही हो सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। एक पॉपुलर होटल जिसका मुनाफा भी अच्छा हो बेस्ट होता है, तभी तो आप जैसे लोग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सब इस होटल को बेस्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपको सिर्फ इवेंट में बुलाना ही होता तो मैं एचआर टीम को ही बोल देता, पर आप इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हैं इसलिए मैं खुद इनवाइट करने आया हूं। ये किंग होटल की 100th एनिवर्सरी है और ये असली हीरोज के बिना कामयाब कभी नहीं हो सकती। मैं पिछले 27 सालों से रूम इंस्पेक्शन टीम में हूं और आपको बता दूं मेरा नाम है किम ओकजा। मिस वारन, आपने मुझे आज बेइज्जत किया है। बाद में बात करेंगे। ताकि गेस्ट को किसी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो और किंग होटल की बेहतरी के लिए कोशिश करती हूँ। आप सच में कमाल हैं मैम। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे आपको सर्व करने का मौका मिला। थैंक यू। मुझे उस दिन का अफसोस है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है गेस्ट रूम मैनेजमेंट ना आना बहुत बड़ी कमी है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे माफ कर देना। तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगी। एक होटल जहां सब खुश रहे, तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? आप इसे जरूर मुमकिन बना सकते हैं और इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। पापा, ये क्या कर रहे हैं? वहां इवेंट फ्लॉप हो गया और आप यहां पुरानी यादें लेकर बैठे हैं। बाद में बात करते हैं। जानते हैं इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से असेंबली मैन पार्क नाराज हो गए और हमें उनकी जरूरत थी। ड्यूटी फ्री शॉप का लाइसेंस अगले साल खत्म हो रहा है, उसे रिन्यू करवाना है, फिर हमें एयरलाइंस भी एक्सपैंड करनी है, जानते हैं ना? सही कहा, सारी उम्र यही काम तो करता है और बहुत सी कीमती चीजें नजरअंदाज कर दी। आप मेरे भरोसे का इम्तिहान ले रहे हैं। ये किंग ग्रुप आप अकेले का नहीं है पापा। प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू। बधाई हो, तुमने आज कमाल कर दिया। मैं हमेशा ही कमाल करता हूं। अगर इस संडे फ्री हो तो मेरे घर आ सकते हो। प्योंगहुआ की फ्लाइट है तो वो घर पे नहीं होगी। ठीक है, आ जाऊंगा, चाहे आंधी हो या तूफान। Thank you.
मुझे घर पर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। ओह, बहुत खूबसूरत है। ये क्या तुमने इतना सारा खाना बनाया? ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने पूरे दिल से बनाया है। एक बात बताओ, अगर ये ज्यादा नहीं है तो फिर ज्यादा क्या है? मैं बस तुम्हें घर का बना खाना खिलाना चाहती थी। थैंक यू सो मच। फोन नहीं उठाओगे? मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। तो बताओ सबसे टेस्टी क्या है? वैसे तो सब कुछ ही यमी लग रहा है। क्या ट्राई करूं? चलो ये करता हूं। कैसा लगा? टेस्टी है ना? ऐसी डिश को तुम टेस्टी बोलती हो? माइंड ब्लोइंग है। तुम्हें तो होटल में शेफ होना चाहिए यार। हाँ, मौका मिला तो जरूर बनूंगी। ये भी ट्राई करूं? तुमने बहुत टेस्टी बनाया बेबी। बेबी। रुको, मैं भी तुम्हें खिलाता हूं। ये लो। कैसा लगा? लाजवाब है बेबी। तुमने बनाया ना बेबी। थैंक यू। क्या बताऊं, डिनर इतना टेस्टी था कि मैं अब सोच में पड़ गया, क्या मैं वाकई में इस सब के लायक हूं? अगली बार फिर से बनाऊंगी। मैं वेट करूंगा। सुकून मिल रहा है। सुकून नहीं, बेहद सुकून। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है ना? बियर खत्म हो गई। मेरी भी। मैं लेकर आऊं? मैं लाता हूं। मेरा घर है, मैं लेकर आऊं। तुमने खाना बनाया, मैं बियर लाऊंगा। मैं जाती हूं। अरे ये क्या बात हुई, मैं लेकर आऊंगी। नहीं, मैं लाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं जाती हूं। रुको, एक काम करते हैं। अरे दोनों लाते हैं। अब तो खुश हूं। जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो चलो ना। पूछोगे नहीं कहाँ? रिपोर्ट बनाकर लाओगी तुम किंग ग्रुप को कैसी कंपनी बनाना चाहते हैं तुम दोनों? इसका मतलब असली जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन फिक्र मत करिए, आपके साथ मैं। आज के बाद वन की सारी रिपोर्ट तुम मुझे ला कर दोगे, समझे? तो इस तरह आप कहाँ तक जा सकती हैं मेरे पीछे? क्या ऐसे ही एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हो? इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। बताओ मैं क्या करूँ?